उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भूमाफियों के हौसले बुलंद। योगी सरकार में प्रशासन नतमस्तक दिखा हुआ नजर आ रहा है। मामला है राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील के अंतर्गत बंथरा ग्राम सभा का, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर द्वारा स्थानीय निवासी विपिन कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय माना लाल उर्फ सूरज प्रसाद की पुस्तैनी जमीन को प्रॉपर्टी डीलर द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। भूमाफियाओं के ऊपर मेहरबान योगी सरकार दिख रही है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करी जा रही है, परंतु राजधानी लखनऊ में एक मामला ऐसा सामने आया है जहां पर 200 साल से अपने पुरखों की जमीन पर प्रार्थी की जमीन प्रार्थी के कब्जे में है, मगर प्रॉपर्टी डीलर द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप स्थानीय पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन भी पूरे तरीके से नतमस्तक दिख रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भू माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार क्या कार्रवाई करती है। आइए देखते हैं और सुनते हैं, जब हमारे सहयोगी संवाददाता द्वारा मौके पर पीड़ित परिवार से बात की गई तो पीड़ित परिवार ने क्या कहा। आइए सुनते हैं पीड़ित परिवार की जुबानी लखनऊ से हमारे सहयोगी संवाददाता प्रशांत अवस्थी जी के माध्यम से। सरकार को पीड़ित परिवार ने क्या कहा, आइए सुनिए आप भी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। यहाँ पर ताजा मामला राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बंथरा का है। यहाँ पर पीड़ित परिवार हैं, जहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। इनसे जानते हैं पूरा मामला। क्या नाम है भैया आपका? हमारा विपिन कुमार गुप्ता नाम है। कहाँ के रहने वाले आप? बंथरा बाजार डीलर लखनऊ। क्या मामला, क्या घटना घटी है जो भूमाफियाओं के द्वारा जमीन कब्जा की जा रही है, क्या मामला है? हमारी तीसरी पीढ़ी हो गई, हमारे बाबा बाबूलाल ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए, उनका परिवार दादी का ख़त्म हो गया। हमारे पिताजी मानालाल और सूरज प्रसाद गुप्ता, वो भी पीढ़ी ख़त्म हो गई माता पिता की हमारी जी। हमारी तीसरी पीढ़ी है, तब से हम लोगों की ज़मीन हमारे पास है। पापा ने हमारे 45-50 साल पहले दो दीवालें खड़ी कराई थी, उसके बाद दीवालों के बाद नाला है, नाला 200 साल से बह रहा है, 200 साल से नाला पुराना बह रहा है, प्रधान जी का बनवाया हुआ है। मौजूदा पूर्व प्रधान जब कौन थे जिनके द्वारा निर्माण नाला का निर्माण कराया गया था, मगर जो उनके बात की जाए मौजूदा प्रधान की, तो उनके द्वारा क्या बताया जा रहा है? बृजभान सिंह ने नाला बनवाया था, प्रधान मंत्रा के हैं बृजभान सिंह, वो उन्होंने नाला बनवाया था। अब इस समय वो एक्सपायर हो गए हैं, अब उन्होंने नाला बंद कर दिया, कह रहा सरकार ये नाला नहीं है, ये ऐसा तो पानी जो है हर जगह बहता है, और नाला पाट दिया है, अपने यहाँ रोड भी बना दिया है, सब घरों में पानी बह रहा है, मच्छर लग रहे हैं, सब घर के लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। हमारी ज़मीन पर नाला पाट के घुसना भी चाहते, कहते 15 फुट 12 फुट 13 फुट हमारी निकल रही आपकी बाउंड्री के अंडर। किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा, कौन है? ये सुनील सिंह बंथरा के हैं, उनके दो बेटे हैं, क्या नाम? बृजन सिंह और प्रशांत सिंह, बृजन सिंह, सुनील सिंह। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हमारे पीछे कर रहे हैं, वही जो है ज़मीन पर हमारी कब्जा कर रहे हैं, वही नाला ही भी पाटा है। बात की जाए भूमाफियाओं के, जहां पर राजधानी में भूमाफियाओं के हौसले पूरी तरीके से बुलंद दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा मामला सरोजनी नगर क्षेत्र का है, जहां पर और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा उत्तम कुमार गुप्ता नाम। कहां रहते हैं आप? बंथरा बाजार में। बंथरा में रहते हैं। जो आपके घर के पीछे की ज़मीन है जो उसको कब्जा किया जा रहा था प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि हमारा ये 3 पीढ़ियों से कब्जा है, मेरा सेफ्टी टैंक बना हुआ है और मेरा नाला भी बहता है, जिसका मेरा ही नाला नहीं 20 घरों का और पानी बहता उसी में है, और वो लोग जबरन हमारे जमीन में घुसना चाहते हैं। बात की जाए सरोजनी नगर तहसील प्रशासन की, मौके पर क्या SDM द्वारा उनके मौके का निरीक्षण किया गया कि नहीं? अभी नहीं किया गया। इसकी सूचना हमने SDM प्रशासन को दी है कि नहीं दी? दी गई है। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बताए हैं? कुछ नहीं बताया। एक तरफ तहसील प्रशासन भी भूमाफियाओं के ऊपर हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं, मगर तहसील प्रशासन भी नतमस्तक है, और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? एलना ममता गुप्ता है। कहाँ रहते हैं आप? बंथरा बाजार। बंथरा में रहते हैं। क्या मामला है जो भूमाफियाओं द्वारा यहाँ पर जमीन को कब्जा किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना है? मेरी जमीन यहाँ है, जो मैं पुस्तैनी जमीन है, मैं माना सेठ माना लाल उर्फ सूरज प्रसाद की पुत्री हूँ जी, और मेरी ज़मीन करीब 200 साल पुरानी पुस्तैनी ज़मीन है। 40 साल से मेरा दीवाल पापा ने उठवाया था, 40-45 साल हो गए दीवाल खड़ी है, पीछे नाला बह रहा है जो काफ़ी पुराना है। जैसा कि बताया गया है कि पूर्व प्रधान में जो यहाँ के पूर्व प्रधान थे उनके द्वारा यहाँ पर जमीन को पीछे नाला बनवाया गया था, नाले के पहले बाद में आपकी ज़मीन थी, जैसे भूमाफिया के दौरान नाला को प्रतिबंधित कर दिया गया है, ध्वस्त हो गया है, इस बारे में आपका क्या कहना? वो नाला सबके घरों में बह रहा है, पानी जो हम लोगों के घरों में बह रहा है सब पानी नाले का,
और उन्होंने मेन नाला जो सरकारी नाला है उसको पाट दिया, वहाँ रोड बना दिया उन्होंने। जैसा कि देखा जा रहा सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है, इस बारे में क्या कहना है? जब बना हुआ था प्रधान जी और नाला बनाया गया था उसके बाद में जब नाला को बंद कर दिया गया, इस बारे में क्या क्या कहना है? कहना क्या है, नाला खोला जाए, सबका पानी बहे। जैसे कि बात की जाए एसडीएम प्रशासन की, क्या मौके पर लेखपाल या कोई आया? लेखपाल हम लोगों के पास नहीं आया, हम लोगों के पास कोई अधिकारी नहीं आया। रोल और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे क्या है पूरा प्रकरण। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ रहते हैं? बंथरा में। जैसा कि देखा जा रहा है गुप्ता जी के मकान के पीछे निर्माण जो हुआ था, नाला का निर्माण था, वहाँ पर प्रॉपर्टी लेने वाला नाले को बंद कर दिया गया, इस बारे में क्या कहते हैं? हमारा कहना यही है कि इसको नाला को पुनः चालू किया जाए, लोगों को दिक्कतें हो रही, घरों में पानी गुजर रहा है, अभी बरसात थोड़ी बहुत हुई, अभी ज़्यादा होगी तो उसके बाद घरों में और गुजरा, छतों में दरारें पड़ रही और बहुत से अन्य समस्याएं हैं, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। बात की जाए तहसील प्रशासन की, तो क्या मौके पर तहसील प्रशासन के आला अधिकारी आए? कोई नहीं है। अब जैसे कि नाला नहीं खोला जा रहा है, इस बारे में आप लोगों की आगे की क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, प्रशासन से सहयोग लिया जाएगा। प्रशासन द्वारा अभी तक क्या सहयोग मिला है? अभी तक कुछ नहीं मिला। कितने दिन पहले कब्जा किया गया है? भाई महीने भर हुआ। महीने भर के आप लोग न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, कोई आला अधिकारी नहीं आया? अभी नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मिटेश गुप्ता। कहाँ रहते हैं? बंथरा बाजार। जैसा कि देखा गया कि गुप्ता जी के मकान के पीछे निर्माण जो प्रॉपर्टी द्वारा कब्जा किया गया, इस बारे में क्या कहना? ये जो पीछे हमारे घर के नाला बहता है, ये जब हम पैदा नहीं हुए थे वो तब से पहले बहता आ रहा है और वर्तमान समय में वो नाला करीब 2 महीने हो चुके हैं और नाला वगैरह सब बंद है। मच्छर, बीमारियां, डेंगू, ये सब के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दिवाली आने वाली है, जैसा जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अक्टूबर नवंबर में डेंगू फैलने लगता है, ये बीमारी का एक बहुत भाई ज़्यादा कारण बनने वाला है और प्रशासन की तरफ से एक इसके ऊपर उचित कार्रवाई होने की सख्त जरूरत। एक तरफ भूमि योगी सरकार का कहना है कि भूमाफिया के खिलाफ तबतल कार्रवाई होगी, मतलब कोई तरीके से बंकर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत भूमाफिया के हौसले बुलंद, इस बारे में प्रशासन को तो इसमें सख्त से सख्त कदम रखने चाहिए और उनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि आम जनता को दिक्कत ना हो। कितने घरों का यहाँ पर पानी आ रहा है इसमें? इसमें 20 घरों से ज़्यादा ही लोगों का पानी आ रहा है और ये पानी आज का नहीं है, ये करीब 3 पीढ़ियों से आ रहा है। हम तो जब से पैदा हुए हम तो तब से देख रहे हैं, हमारे घर के पीछे नाला बना हुआ, वहाँ पानी बह रहा है। मगर बात की जाए क्षेत्रीय लोकपाल की, क्या मौके पर आए कि नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया और ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई। कहाँ कहाँ आप लोगों ने एप्लीकेशन दी इस बारे में? इसकी जानकारी 2-3 लोगों के वहाँ दी गई है। क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। एक तरफ सौजनगर क्षेत्र में भूमाफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ करने में कार्रवाई करने में पीछे दिखाई दे रही सौजनगर स्थानीय पुलिस एवं स्थानीय लोग, ये बात की जाए एसडीएम सौजनगर की, उनके भी लापरवाही साफ साफ उजागर हो रही है। एक तरफ भूमाफियाओं के खिलाफ नतमस्तक दिखाई दे रही होगी सरकार, एक तरफ उनका साफ नारा था भूमाफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी, मगर पूरी तरीके से सौजनगर क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक की बात कर लें तो उनका भी हाल मातल नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया। कि बात की जाए एसडीएम प्रशासन पूरी तरीके से मौन है सौजनगर क्षेत्र में भूमाफिया के हौसले बुलंद। केपीपीएन के लिए लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राजपूत के साथ, केपीपीएन के लिए लखनऊ से प्रशांत अवस्थी।